बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कैपिटल फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, फ्लिंट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग टू सेल एनीथिंग ही बॉट फिक्चर्स फॉर 1200 पाउंड्स, अ वैन फॉर 6000 पाउंड्स एंड एन इन्वेंट्री ऑफ goods for 2800 pounds. Although he has paid in full for the fixtures and the van, he still owes 1600 for some of the inventory. Beerab lent him 2500 pounds. After the above, Flint has $200 in the bank, in the business bank account, and 175 pounds cash in hand. इसमें मालूम करना है हमने कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज कैपिटल। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है जो जिसमें आया कि एफ फ्लिंट जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसके पास जो पोजीशन है उसकी, उसने सेल करने से पहले पहले उसके पास फिक्स्चर्स हैं, उसने परचेज़ किए हैं जो 1200 की है, और वैन 6000 की है, और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स जो है 2800 की उसने परचेज़ किया, और उसने जो पे किया है फिक्स्चर्स और वैन के लिए फुल पे कर दिया, लेकिन उसको गुड्स और उसके लिए गुड्स के लिए उसने पे नहीं किया फुल, उसमें 1600 अभी अनपेड है। इट मींस ये इसकी लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेएबल। और बी लैंड लेंट हिम 2500, और बी रब है कोई, उसने उसको लोन दिया है 2500 का। उसके बाद जो बिज़नेस अकाउंट में है, बैंक बिज़नेस अकाउंट में है 200 पाउंड्स और 175 कैश इन हैंड है। अब हम देखेंगे कि कैसे कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, जिसका फॉर्मेट ये होगा, एफ फ्लिंट ओनर का नेम होगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद जिस डेट को बना रहे हैं, चूँकि हमारे पास इसमें ईयर कोई नहीं है तो डेट कोई नहीं है, हम लिख देंगे एज़ एट 31 दिसंबर 2000 समथिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आएंगे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में तीन चार चीज़ें आती होती हैं, जैसे कैश है, कैश इन हैंड जिसको बोलते हैं, कैश एट बैंक है, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, और इन्वेंट्री होती है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसके पास पड़ी होती है एसेट्स के तौर पर एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड है, यस कैश या कैश इन हैंड जिसको बोलते हैं, 175 पाउंड्स। अब इसमें हम करंट एसेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड 175 पाउंड्स। उसके बाद कैश एट बैंक है जिसको बैंक अकाउंट में जो अमाउंट उसकी पड़ी हुई है कैश एट बैंक बोलेंगे उसको, 200 पाउंड्स है कैश एट बैंक, 200 पाउंड्स। उसके बाद इन्वेंट्री है उसके पास जो 2800 पाउंड्स की है। अब हम यहाँ पे इन्वेंट्री ले रहे हैं 2800 पाउंड्स की। उसके बाद ये टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे 3175। एक्चुअली यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल भी आते होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें चूंकि सिर्फ ये तीन एसेट्स ही दिए हुए हैं करंट एसेट्स, तो हमने इनको ही लिखा और इनको ही रिकॉर्ड किया और इनको ही प्लस कर लिया। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास 3175 के आ गए। अब हम नॉन करंट एसेट्स को देखेंगे जो फिक्स एसेट्स भी कहलाते हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास इसमें हैं जी फिक्स्चर्स हैं 1200 पाउंड्स के, फिक्स्चर्स आ गए 1200 पाउंड्स के, उसके बाद वैन है 6000 पाउंड्स की, वैन है 6000 पाउंड्स की, इसको हमने रिकॉर्ड किया। टोटल फिक्स एसेट्स हमारे पास कितने आएंगे, टोटल फिक्स एसेट्स हमारे पास आ गए 7200 पाउंड्स के। अब हम इनको दोनों को करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को प्लस किया तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 10375 के। करंट एसेट्स थे हमारे पास 3175 और नॉन करंट एसेट्स थे 7200 के, तो टोटल 10375 टोटल एसेट्स आ गए।
टोटल एसेट्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्लाइड में नीचे स्पेस नहीं थी। तो टोटल एसेट 10,375। इसमें से हम लेस लाइबिलिटीज़ करेंगे। अब हमारे पास लाइबिलिटीज़ क्या हैं, जो कि उसने अभी अनपेड थी उसकी इन्वेंट्री के लिए, ये अकाउंट्स पेबल होंगे 1,600 पाउंड्स के। इनको अकाउंट पेबल भी कहते हैं, अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं और क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, 1,600 पाउंड्स के यहाँ। उसके बाद है बी रब ने उस लोन दिया था बिज़नेस को 2,500 पाउंड्स का। इसको हम लेंगे लोन फ्रॉम बी रब 2,500 पाउंड्स। अब हम देख लेंगे हमारी लाइबिलिटीज टोटल कितनी आती हैं, 1,600 प्लस 2,500, ये हमारे पास आ जाएंगी टोटल लाइबिलिटीज 4,100। अब इन लाइबिलिटीज़ को हम टोटल एसेट्स में से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,275। ये के नेट एसेट्स कहलाते हैं, इनको नेट एसेट्स बोलते हैं और ये कैपिटल के इक्वल होते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पे अगर कैपिटल नहीं आए तो ये हम इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेट एसेट्स और कैपिटल इक्वल होते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो अकाउंटिंग इक्वेशन की होती है उसमें एसेट्स लेस लाइबिलिटीज़ आती हैं, वो कैपिटल के इक्वल होता है। यहाँ पे जैसे ये आ रहा है कि एसेट्स का हमने टोटल किया, उसमें से लाइबिलिटीज़ लेस कर दी, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज़ वो कैपिटल के इक्वल होता है, तो हम इसको कैपिटल लिख देंगे 6,275। अब हमारे पास इसका कैपिटल आ गया जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे।